दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि इंटेल के 11th जेन H45 CPUs लॉन्च हो चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटेल ने जो प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं वो है i5-11260H, 11400H और i7-11800H, i9-11900H और i9-11980HK। इनमें मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें i5 में भी मिनिमम 6 कोर मिलते हैं और i7 में 8 कोर, क्योंकि पिछले साल हमें i5 में 4 कोर वाला वेरिएंट भी मिला था और i7 में 6 कोर वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए लैपटॉप्स में। तो अब आपको डाउट आ रहा होगा कि इस साल i5-11300H और i7-11370H लॉन्च हो चुके हैं, जो कि 4 कोर वाले प्रोसेसर्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 35 वाट्स वाले हैं। पिछले साल का जो i5-10300H है वो 45 वाट वाला CPU है। तो अब TDP की बात करें तो 11980HK को छोड़ के सब CPUs की TDP 45 वाट्स है, 11980HK की 65 वाट्स। और इस साल के सारे H45 CPUs 3200 MHz वाले DDR4 RAM को सपोर्ट करते हैं। अब CPU आर्किटेक्चर की बात करें तो 11th जेन वाले सारे CPUs 10nm बेस्ड हैं, जो कि एक इम्प्रूवमेंट है पिछले साल के 14nm से, लेकिन अगर 7nm होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और अब ये सारे CPUs PCIe Gen 4 और Thunderbolt 4 को सपोर्ट करते हैं। अब क्लॉक स्पीड के बारे में बात करें तो बेस क्लॉक स्पीड जो है काफ़ी सिमिलर है 10th जनरेशन से, लेकिन जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो कम कर दी गई है। i7 का बूस्ट क्लॉक 5.1 GHz से 4.6 GHz कर दिया गया है और i9 का 5.3 GHz से 5 GHz। और ये हैं क्लॉक स्पीड्स कन्फिगरेबल TDP पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें आयरिस एक्सी ग्राफिक्स नहीं मिलते, यहाँ पे हमें इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलते हैं, जिनकी बेस क्लॉक है 350 MHz और बूस्ट क्लॉक 1450 MHz। अब बात करते हैं कुछ बेंचमार्क्स की। तो ये हैं Cinebench R20 के स्कोर्स, ये है CPUZ वैलिडेटर स्कोर। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंटेल का सिंगल कोर स्कोर Ryzen 7 से ज़्यादा आया है और Ryzen का मल्टी कोर स्कोर इंटेल से ज़्यादा आया है। अब इनके कुछ कंपैरिजंस देखते हैं। ये वाला कंपैरिजन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। जब इन प्रोसेसर्स को साइड बाय साइड रख के गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे इन प्रोसेसर्स के साथ इंटेल ने और 3 प्रोसेसर्स लॉन्च किए, i5-11500H, i7-11850H और i9-11950H। ये बेसिकली ओवरक्लॉक्ड वर्जन है 11400H, 11800H और 11900H के। तो ये था एक वीडियो इंटेल के 11th जेन H45 CPUs के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी बता देना। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।